औरंगाबाद न्यूज में आपका स्वागत है। फातिमा नगर कुल्ठनवाड़ी रोड पटेल क्लिनिक पे आज यहाँ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चालू है और यहाँ पर कुछ लोगों को इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। तीन औरंगाबाद न्यूज में आपका स्वागत है। फातिमा नगर कुल्ठनवाड़ी रोड पटेल क्लिनिक पे आज यहाँ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चालू है और यहाँ पर कुछ लोगों को इंजेक्शन दिए जा रहे हैं तीन दिनों से। तो यहाँ पर जो मेडिकल का स्टाफ है उनसे कुछ मालूम लेते हैं कि कितने वैक्सीनेशन, कितने इंजेक्शन लगाए गए यहाँ की जनता को और कितने का स्टॉक है, वो उनसे मालूम लेते हैं। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम सुमित्रा दुदे, मैं हरसुल वार्ड की एनएम हूँ और हरसुल आरोग्य केंद्र की सिस्टर भी हूँ। हमारे एमओ यानी वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर मापारी मैडम है, इन्होंने ये यहाँ पे अरेंज करवा है बूथ। पहले 6 महीने से वैक्सीनेशन चालू था लेकिन अभी लोगों को कैसे कुछ डर था करके लोगों ने ये वैक्सीन ले नहीं। अभी सब फर्स्ट डोज वाले लोग है अपने यहाँ पे। टारगेट अपने को 200 का है तो 3 दिन से वैक्सीनेशन चालू है। अभी सब फर्स्ट डोज वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग का गर्दी भी कर रहे हैं और ये वैक्सीन कोविशील्ड है। यानी आपने पास डाटा एंट्री का काम भी अच्छे से चालू है, सब अच्छे से रिस्पांस दे रहे हैं और यहाँ के लोग का भी अच्छे से ये कर रहे हैं। अभी तक कितने हुए हैं, मतलब 3 दिनों में कितने इंजेक्शन लगाए गए, बताइए इस बारे में। अभी तक पहले दिन तो पहला दिन था तो भी 70 हुए थे अपने वैक्सीनेटेड पूरे और कल दूसरा दिन था तो 170 हमने वैक्सीन दिए थे लोगों को और आज 110 वायल होए वाले हैं अभी तक। यहाँ पर कितना कोठा था आपको यहाँ पर फातिमा नगर कुल्ठनवाड़ी के लिए और कितना अभी तक आपने लगवाया, उस बारे में बताएं। पहले जो 6 महीने से पहले कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने लिए नहीं तो अपन ने उनका कुछ पकड़े नहीं, लेकिन अभी दो दिनों में तो कुछ कम 300 लोग का हो गए। अभी यहाँ पर जिसको इंजेक्शन लगवाए गए, जो पेशेंट आए थे यहाँ पर, जो लोग आए थे खुद से, तो वो खुद से आए थे या उनको आपने मतलब प्रोत्साहन दिए है, वो उस बारे में बताइए। हमने अभी हर घर दस्तक सर्वे अपने महानगर पालिका की मुहिम चालू है, उससे भी अपने आशा वर्कर सब घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं तो एरिया में वो सर्वे के वजह से भी मालूम हो गया और यहाँ के जो कुछ लोग है अपने लीडर उन्होंने भी मालूम दी है, बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस मिल रहा है उसे। पर आशा वर्करों ने भी अभी मुहिम चालू है हर घर दस्तक सर्वे अपना, तो उससे भी लोग आ रहे हैं। जिसको टीका लगाया गया यहाँ पर तो उनको कुछ ऐसी कोई तकलीफ हुई या कोई ऐसा आजार हुआ ऐसा, वो उस बारे में बताइए। और जो टीका लेते हैं तो उसके बारे में जो व्यक्ति टीका लेता है, व्यक्ति या महिला, तो उनको क्या मतलब एहतियात बरतना चाहिए, उस बारे में बताइए टीकाकरण के बाद। टीकाकरण के बाद तो इतना कुछ एहतियात नहीं है लेकिन जो कुछ उनको बीमारियाँ है तो हमको इतना बोलने को लगा है आरोग्य शरण दीवा है कि उनको वो जो गोलियाँ है वो चालू रखना बोलने का है और जो कुछ अगर तुरंत ही उनका कुछ ऑपरेशन या बड़ा कोई बीमारी है तो उनको उनके डॉक्टर के पास से लिखा के ला के उसके बाद ही अपन ये वैक्सीन दे रहे हैं उनको। और ये वैक्सीनेशन से अभी तक कोई भी अपने दिक्कत नहीं हुई है और एक भी ऐसे कुछ ये नहीं आया ऊपर। अभी जिसको यहाँ पर जितने व्यक्ति या महिलाओं को टीका लगाया गया है
तो ऐसे कोई कोई घटना हुई या किसी को आजार हुआ या कोई रोग उनको सब मतलब सब बताया गया उस बारे में बताइए कि कुछ ऐसा कोई व्यक्ति आया आपके पास कि जिसको तकलीफ हुई उस बारे में बताइए। नहीं, अपने यहाँ पे तो अभी तक कोई ऐसा आया नहीं है कि हमने वैक्सीन लिया हमको ये प्रॉब्लम चालू हो गई। और भी बहुत से लोग है कि वो बोल रहे कि वैक्सीन से अच्छा रिस्पॉन्स है और इम्यूनिटी पावर भी अच्छे से मिल रही है। जो लोग कोई कोई तो बुढ़े लोग हमको बोलते हैं एरिया में, हमने वैक्सीन लेने के बाद हमारे घुटने का दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द वो भी अच्छे से हो गए ये वैक्सीन से। यहाँ की जनता खुद स्वयं आ रही है या उनको फोर्स किया जा रहा है उस बारे में बताइए। अभी तो सर्वे चालू है तो उनको सिर्फ अपन बोल रहे हैं कि यहाँ पे बूथ लगाया हुआ है, आप जाके ले सकते हैं। अभी वो तो उनके खुद से दिल से आ रहे हैं। अभी ये कितने दिनों का प्रोग्राम है? अभी आप बता रहे हैं कि 3 दिन हो चुके हैं यहाँ पर, तो आगे और कितने दिन है उस बारे में बताइए। आज 3 दिन हो गए हैं और अभी अगले हमारे मैडम ने अभी एक जगह देखी है, थोड़ी छोटी जगह है ना, तो उधर उन्होंने बोली 1 हफ्ते के नहीं तो 15 दिन के वास्ते अपन प्रोग्राम रखेंगे ना, अपनी पूरी ये यहाँ की पॉपुलेशन जो है, एरिया जो है वो पूरा कवर करना है जब तक अपन वो चालू रखने वाले है। मैडम, आपने जो बताया अभी यहाँ पर, तो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि यहाँ पर महिलाएं, वृद्ध और जो बच्चे हैं तो उनके कितने साल की उम्र से आप टीका लगा रहे हैं उस बारे में बताइए। अभी ये कोविशील्ड जो वैक्सीन है ये 18 उम्र से पूरे बच्चों या जब तक है यानी पूरी उम्र के लोगों को लगता है ये टीका, कोविशील्ड नाम है इसका, और ये एक ही मात्रा में लगाया जा रहा है 0.5 ml के मात्रा में। फर्स्ट डोज ये है और सेकंड डोज के वास्ते अपन उनको 84 दिन के बाद बुला रहे हैं और उसकी भी मात्रा वही रहने वाली है 0.5 ml। आपका बोलना यह है कि बच्चों को और महिलाओं को और वृद्ध जो उम्र रसीदा इंसान लोग हैं तो सबको एक ही जैसा मतलब डोज दिया जा रहा है उस बारे में बताइए। हाँ, सभी को एक ही मात्रिक वैक्सीन है ये 0.5 ml 18 साल के ऊपर वृद्ध महिलाओं सब। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम सुमित्रा दुदे, मैं हर्सुल वार्ड की एनएम हूँ। यहाँ पर जो वैक्सीनेशन के जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया उसके इंचार्ज कौन है, उनका नाम बोलिए आप। डॉक्टर मापरी मैडम, ये हमारे वैद्यकीय अधिकारी है हर्सुल की, तो वही इंचार्ज है। फिर आपका नाम बोलिए। और यहाँ जो टीकाकरण का 3 दिन से जो कार्यक्रम चल रहा है और जहाँ जनता खुद ही से आ रही है सब बताया है मैडम ने, तो जनता में उत्साह नज़र आ रहा है उस बारे में आप बताइए। जी हाँ, सब महल्ले के लोग तकरीबन आजू बाजू के तकरीबन लोग आके वैक्सीन ले रहे हैं और वैक्सीन से अभी तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आया। यहाँ पर हमारा पटेल हॉस्पिटल है, पटेल हॉस्पिटल पर हमने एक अरेंज करा हुआ है, ये दवाखाना और मेडिकल मैं चलाता हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इन लोगों को जगह दिया हूँ। लेकिन पूरा महल्ले का लोग आके इंजेक्शन वगैरह ले रहे, बच्चे 18 साल के ऊपर और बड़े बूढ़े और हमारे महल्ले के आसपास के तकरीबन लोग 3 दिन से कंटिन्यू चालू है। आपका नाम? मेरा नाम हाजी मोहम्मद शफीक। टीकाकरण के लिए जो लोग आ रहे हैं तो उनको डॉक्यूमेंट क्या लग रही है वो बताइए। भैया थोड़ा सर, फोटो आ रहा है।